राइट ऑन द हेडिंग एजीपी, एजीपी मतलब अर्थमेटिको को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं एजीपी। ठीक है, एजीपी। बाय द वे, ये एजीपी क्या होता है कि लेट से मैं एक एपी लिख लेता हूं, एपी लाइक ये ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। ठीक है, और एक जीपी लिख देता हूं, एपी मिला जीपी लिख देता हूं, लाइक बी बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब, बी आर टू पावर 4, बी आर टू पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक ऐसी सीक्वेंस लिखता हूं जो इन दोनों से मिलके बनी है, इनके करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट से मिलके बनी है। तो जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो कितना मिलेगा, ए बी, है ना, ए प्लस डी बी आर, ए प्लस डी टाइम्स बी आर, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D टाइम्स बी आर स्क्वायर, ए प्लस 3D टाइम्स बी आर क्यू एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जो सिक्वेंस बनती है इसको बोलते हैं एजीपी, कि मतलब ये जो सिक्वेंस बनती है ये एजीपी है, जिसमें एपी भी है और जीपी भी है। इसका जनरल टर्म की बात करें कि टी आरथ टर्म की बात करें तो ये देखो वन, ये इसका आरथ टर्म, एपी का आरथ टर्म, एंड दैट इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। सिंस इसमें आर है तो इसको आर रहने देते हैं, टी एनथ टर्म लिख देते हैं। एनथ टर्म क्या हो जाएगा, तो इसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टाइम्स इसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का एनथ टर्म। तो देखो ये हो जाएगा बी आर टू पावर एन माइनस वाई। तो ये आ गया एनथ टर्म, टी एन इज इक्वल टू दिस इज दी एनथ टर्म, ए जी पी जिसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एपी लिख दिया मैंने, लेट से वन सिंपल सा एक ए जी पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरह से ये एपी हो गया। ठीक है, और एक जीपी लिख देता हूं, 1 x x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 एंड सो ऑन, ये जीपी हो गया। तो जो एजीपी है, एजीपी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 x देन 3 x स्क्वायर देन 4 x क्यूब देन 5 x की पावर 4 6 x की पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है वो एजीपी हो जाएगी। तो क्या इतना बात समझ है, यदि एजीपी गिवन होगा तो आप पहचान लोगे, है ना, पहचान लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दिखा देते हैं कि एजीपी क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है 16th वन, इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस को। जैसे ये पहला है, सर, आप इसका ऊपर पेज दिखा सकते हो क्या, जहां आपने वो फॉर्मूला लिखा है? हाँ, ये एनथ टर्म का फॉर्मूला है, इस तरह से आप देख सकते हैं।
हो गया हाँ सर, लिख लिया है ना, ये है। अब देखो ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें है क्या। बाय द वे इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये वन इंटू इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री है प्लस फोर इंटू फाइव है प्लस एट इंटू सेवन है। तो कैसे पता चलता है कि इंटू है या डेसिमल पॉइंट है? वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लिख लो, ये इंटू है ये, ठीक है। ठीक है सर। ये वन प्लस फोर बाई फाइव है प्लस सेवन बाई फाइव स्क्वायर है प्लस टेन बाई फाइव क्यूब है प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। बेसिकली ये डेसिमल ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनटू ये बीच में मिलता है, जैसे वन पॉइंट इस तरह से आया, टू इंटू बेसिकली। और ज्यादा जो सही तरीका है लिखने का वो कुछ इस तरह से होता है, वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव प्लस एट इंटू सेवन। लेकिन इस तरह से लिख दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आपको उसमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जज करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन। तो ये क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको बताना है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले का nth टर्म लिखें तो फर्स्ट में sn क्या लिखा जाएगा बताओ, sn will be written as जैसे 1 into 1 plus 2 into 3 plus 1 टर्म मिसिंग है इसमें, है ना, नहीं है, नहीं मिसिंग है, 4 into 5 plus 8 into 7 plus and so on। देखो तुम्हें इसमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ी, पहली तो एपी, एपी बताओ कौन सी है इसमें, क्या है बताओ अंशुमन, एपी कौन सी है इसमें बताओ। ये 1, 3, 5, 7 एग्जैक्टली, एपी है 1, 3, 5, 7 है ना। और जीपी बताओ इसमें क्या है, जीपी क्या है, जीपी है 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब मैं इस sn मतलब सम ऑफ n टर्म, क्या इसका nth टर्म लिख सकते हैं हम लोग, ap इस ap का nth टर्म, तो लिखना पड़ेगा nth टर्म, क्योंकि तो tn यदि लिखना है तो इसका nth टर्म क्या होगा, 1, 3, 5, 7 इसका nth टर्म, ap का nth टर्म क्या होगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है कि नहीं, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस एपी का nth टर्म हो गया। अच्छा इस जीपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, इस जीपी का nth टर्म बता, 1 इंटू 2 2 की पावर एन माइनस 1, थिंक अबाउट इट, एन 1 रखेंगे तो 2 की पावर 0 ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 1 ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। तो ये कितना हो गया बताओ, 2n माइनस, ये 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा tn। तो ये इसका nth टर्म हमने लिख दिया, तो sn को हम क्या लिखेंगे, sn लिख देते हैं 1 इंटू 1, या पहले ap वाला टर्म लिख देते हैं फिर gp वाला लिख देते हैं, 1 प्लस फिर 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 8
एंड सो ऑन प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड 2 टू द पावर n माइनस 1 इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखो कि जो जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो देखो कितना है, इसमें जीपी का कॉमन रेशियो है 2, तो इस 2 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, जो कॉमन रेशियो है 2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फुल इसमें, तो कितना हो जाएगा 2SN। और देखो इसको ना एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करना है, याद रखना 1 × 2 ऐसा आ जाएगा। जो जीपी वाला पार्ट है सिर्फ उसमें ही आर से मल्टीप्लाई करना है, एपी वाले पार्ट में नहीं करना है। तो ये देखो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा प्लस ये कितना, ये वाला देखो ये जैसे इधर पहुंचा ऐसे ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। देखो ये nth टर्म ये है, तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा इससे देखो ये AP है जिसमें कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 2n-1 यदि ये है तो AP का इससे पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा 2n-3 हो जाएगा, और उसमें 2 से मल्टी इधर जो कॉमन जो GP वाला पार्ट है उसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2^(n-1) है। अब देखो होगा क्या कि इधर वाला पोर्शन जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया, तो इसमें भी आगे ये आगे बढ़ जाएगा और वो आ कितना जाएगा बाय द वे 2^(2n-1) × 2^ फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2^(n) आ जाएगा, इस तरह से देख लो। क्या ये बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ आई, इसको मैं लिख देता हूँ 1.2, क्लियर हुआ। अब क्या करें, अब करना क्या है, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से ये सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा -SN − 2SN = इसमें से जीरो सबट्रैक्ट करें तो 1.1 हो जाएगा, 1.1 प्लस इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो 5 − 3 कितना हो जाएगा 2.2 × 4 पाई जाए, 4 कॉमन ले लो तो 5 − 3 = 2 प्लस इसमें देखो ये 8 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 5 − 7 − 5 तो 2 × 8 ऐसे चलता रहेगा। और ये यहां तक इसमें से देखो 2n-1 में से 2n-3 सबट्रैक्ट करें तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 × n-1 एंड अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 में से ये सबट्रैक्ट होगा तो −2n-1 × 2^(n) ऐसे आ जाएगा। अब आप देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस देखो इन सब में 2 है, 2 यदि कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 2 + 4 + 8 + कहां तक 2^(n-1) 2n-1 × 2^(n) ऐसा हो गया, ये −SN 1 प्लस अब देखो यहां पे ये 2^(1), 2^(2), 2^3 क्या ये भी जीपी है, देख लो ध्यान से। और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, थिंक अबाउट इट, देखो ये 2^(1) + 2^(2) + 2^3 और कहां तक जा रही है, देखो 2^(n-1) तो ध्यान से देखो इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बताओ, ये देखो −SN = 1 + 2 × नंबर ऑफ टर्म इज n-1 तो जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला, यदि जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएं
तो ये कितना हो जाएगा, ए ए मतलब टू आ गया, इंटू आर, आर मतलब टू, और टू की पावर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इज एन माइनस वन, और माइनस वन अपॉन टू माइनस वन मतलब आर माइनस वन हो जाएगा। तो इसका सम मिल गया ये, और माइनस टू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन ऐसा हो गया। अब ये देखो टू माइनस वन इज वन आ गया, टू माइनस वन इज वन, तो यहाँ पे माइनस एस एन इज इक्वल टू वन प्लस ये टू स्क्वायर टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू, सॉरी माइनस टू की पावर टू मतलब फोर, एन माइनस टू एन माइनस वन टू की पावर एन। यदि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो यह जाएगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस टू एन माइनस वन टू की पावर एन, दिस इज माइनस एस एन। तो पूछा गया एस एन बताओ, तो एस एन इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो ये थ्री प्लस टू एन माइनस वन टू की पावर एन, एंड दिस इज माइनस टू की पावर एन प्लस वन ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज एस एन। क्या इतनी बात समझ आए? तो इस तरह से हम लोग सम का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। फॉर्मूला नहीं मतलब सम, जितना भी सम आएगा वो एन पे डिपेंडेंट चीज आएगी यहाँ पे। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे थ्री प्लस यदि टू की पावर एन कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा टू एन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस टू की पावर एन यदि कॉमन लिया तो ये टू आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस ये टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस थ्री इंटू टू की पावर एन। तो और एस एन, आई थिंक ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है एस एन के लिए। इससे और फर्दर सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे, ठीक है। तो क्या इसका प्रोसीजर समझ आया कि ए जी पी के इन टर्म्स के सम का फॉर्मूला, मतलब सम कैसे निकालते हैं? देखो इसका मेन क्या है कि इसको इस सही तरीके से nth टर्म लिखो सबसे पहले, फिर जो कॉमन मतलब जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म राइट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए इस तरह से, और फिर सबट्रैक्ट करिए। सबट्रैक्ट करने से देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आके एक जीपी मिलेगा, उस जीपी का सम लिखना है। जीपी का सम हम लोग लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं, और फिर इसको आगे प्रोसीड, फिर तो यहाँ सिंप्लीफाई करके जो भी आता है वो लिख देना है कि ये एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। जल्दी से फटाफट सेकंड सॉल्व करो, बिल्कुल सेकंड वन सॉल्व करो, सम टू एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है, वन प्लस फोर बाई फाइव, देखो यहाँ पे वन प्लस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई फाइव स्क्वायर प्लस टेन बाई फाइव की एंड सो ऑन, वन प्लस फोर बाई फाइव सेवन बाई फाइव स्क्वायर टेन बाई फाइव क्यूब थर्टीन बाई फाइव टू पावर फोर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म, है ना। तो दिस इज एस एन। तो एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन कैन बी रिटन एज वन प्लस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई फाइव स्क्वायर प्लस टेन बाई फाइव क्यूब प्लस थर्टीन बाई फाइव टू पावर फोर प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स लिखना। तो nth टर्म आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखो AP क्या है, ध्यान से देखो,
एपी क्या है बताओ इसमें? एपी है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन. तो इसमें टी एनथ, एपी का एनथ टर्म क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3.